और दोस्तों पाकिस्तान में बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट है, जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं है, जिसमें डॉलर जो है वो तो 200 रुपए पे पहुंच गया। 1 डॉलर पाकिस्तान में अभी 200 रुपए का मिल रहा है। अगर आपके पास 200 रुपए हैं तो आप 1 डॉलर ले सकते हैं, और ये है इंटर बैंक रेट। और अगर आप मार्केट में चले जाएं और कहीं और चले जाएं, ग्रे में चले जाएं मार्केट या ब्लैक में, वहां पे तो अभी इससे भी ऊपर चला गया है। और ये है वो इकोनॉमी की सूरत हाल जिसमें इमरान खान साहब हमें यहाँ पे ले आए हैं। मैं इमरान खान साहब का इसलिए कहूंगा कि ये इमरान खान साहब ही हैं जो हमें यहाँ पे पहुंचाया। अब उन्होंने जो है वो एक नई चीज पाकिस्तान में शुरू हो गई है, और वो है कि जैसे आप ये कह लें कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस हुकूमत को चलने नहीं देना, और इसलिए वो पाकिस्तान के अदारों को टारगेट कर रहे हैं, वो जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं, वो फौज को टारगेट कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए और उनको वापस हुकूमत में लेके आया जाए। इसलिए वो जो है वो एक एक हालात इस तरह के पैदा कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि इमरान खान साहब के टेन्योर में जो है वो तकरीबन 64 रुपए डॉलर के पाकिस्तानी रुपए में कमी हुई, 64 रुपए। और जिसे आप कह लें कि ये अरबों डॉलर के कर्जे भी पाकिस्तान के ऊपर और बन गए, और इन अरबों डॉलर का अब आप देख लें कि क्या वो हमें नुकसान हो सकता है कि हमें हमारे ऊपर कर्जे और चढ़ गए हैं, हम ये कर्जे कहाँ से देंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये किस तरह पाकिस्तान मैनेज कर सकता है कि हम हर रोज हमारे ऊपर कर्जे भी चढ़ेंगे। और मजे की बात है कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो नॉन असेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट और बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं उनमें भी इंटरफेयर करेंगे। उन्होंने एक सो मोटो नोटिस लिया है, और वो सो मोटो नोटिस जो है उन्होंने सुनने में आ रहा है कि वो इमरान खान साहब ने एक कोहाट में जलसा किया, और उस जलसे में उन्होंने कहा कि हम जो है वो चाहते हैं कि इस जो सुप्रीम कोर्ट है वो हकूमत जो अकाउंटेबिलिटी के मामलात हैं जिसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से तबादले कर रही है या अकाउंटेबिलिटी नहीं होने दे रही उसमें इंटरफेयर करे। तो वही हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के कहने पे और जो पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेशर आया था उसके तहत सो मोटो नोटिस ले लिया, और उन्होंने हुकूमत को मना कर दिया है कि वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसमें वो किसी किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग्स और वो सारा कुछ नहीं कर सकते। और वो जो कोर्ट है वो कह रही है कि ये जो क्रिमिनल केसेस हैं इसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते किसी किस्म की भी। अब जारी बात है ये एक पाकिस्तान की तारीख में ये कहा जा रहा है कि शायद जुडिशियल एक्टिविज्म दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको क्योंकि वो तो लाडले हैं इस मुल्क के, वो जुडिशरी को गालियां दें, वो फौज को गालियां दें, उनके जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, सपोर्टर हैं, जो मर्जी करें, उनके लिए हर किस्म का एक माहौल जो है वो बनाया जाता है। इमरान खान साहब पूरी जो है पूरे का पूरा निजाम ऑर्डिनेंस पे चलाते ले, पार्लियामेंट को उन्होंने रोंद के रख दिया, और जुडिशरी जो है इस वक्त अंडर प्रेशर है पाकिस्तान में। और वो जुडिशरी इसलिए अंडर प्रेशर नजर आती है क्योंकि जुडिशरी ने जो एक वर्डिक्ट दी थी इमरान खान साहब की के ऊपर जिसमें ये फैसला हुआ था कि हम लोग वो क्योंकि इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन कर रहे थे जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी के जो डेप्टी स्पीकर हैं, वैसे तो डेप्टी स्पीकर जो है बड़ा एक न्यूट्रल बंदा होता है, लेकिन उन्होंने जो डेप्टी स्पीकर थे उन्होंने एक रूलिंग दे दी और कहा कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये रिजीम चेंज ऑपरेशन है और हम इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। और उन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो मोशन आया था उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया, सो मोटो नोटिस लिया, और उसपे उन्होंने कहा कि ये जो है ये गलत है, जिसपे इमरान खान साहब ने को फोर्स किया गया कि वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें और उनकी हुकूमत की छुट्टी जो है वो की गई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। लेकिन इमरान खान साहब की जमात ने, इमरान खान साहब ने, उनके फॉलोअर्स ने सुप्रीम कोर्ट को इतना गंदा किया और जजेस की इतनी तजहीक की के और जो सोशल मीडिया पे जो एक जैसे आप कह लें कि वो हालात बन गए कि जजेस और उनकी फैमिली जो है वो बड़ी परेशान होगी कि हम क्या कर बैठे हैं। और उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि अब उन्होंने सोचा है कि हम इमरान खान साहब को जो है वो अकोमोडेट करेंगे, और वो अकोमोडेट इस तरह करेंगे शायद कि वो जो उन्होंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी उसके बाद ही उन्होंने ये सो मोटो नोटिस ले लिया है।
अब इमरान खान साहब जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लाडले हैं, शायद उनकी दोबारा कोई डील हो रही है, उनको वापस लाया जा रहा है और मामला इस तरह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में चल रहा है, यहाँ पे कुछ किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही जो है, ना तो बिरूनी कर्जे पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहे हैं, हुकूमत आए रोज कर्जे ले रही है। पॉलिटिकल एक्टिविटी ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि मैंने लोगों को अवेयर करना है, मैंने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, मैंने पाकिस्तान बंद कर देना है। और इस पे जाहिर बात है जो है वो एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बाजी में वो वक्त था जब इमरान खान साहब को पावर में लाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी एक जाहिर बात है एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन रही है। अभी क्योंकि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया पे कंट्रोल और उनके फॉलोअर्स का व्यूअर्स का सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कंट्रोल है, इस वक्त पब्लिक ओपिनियन इमरान खान साहब बनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, जो नैरेटिव इमरान खान साहब बनाएंगे वही नैरेटिव मार्केट में चलेगा। जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो ऐसे लगता है मुझे बड़ी ओल्ड स्कूल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका तो जैसे मीडिया या सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया। और इमरान खान साहब ने तो सोशल मीडिया भी इतने वाइब्रेंट हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को ही रेलिवेंट कर दिया बहुत हद तक। मेन स्ट्रीम मीडिया को वो चोर कहते हैं, वो लफाफा सहाफी कहते हैं, वो इस तरह उनके जानने वाले वो कहते हैं ये सारे लफाफे हैं और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे सुनते और देखते हैं। सो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो लोग जो उनके खिलाफ बोलेंगे वो लफाफे हैं, वो चोर हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हैं, वो बिके हुए हैं, वो गुलाम हैं, और जो लोग उनको फॉलो करेंगे वो लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं। अब जारी बात है कि ये इमरान खान साहब जो है वो सारा निज़ाम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के चला रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। इमरान खान साहब आप सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि इसी शहबाज शरीफ साहब को जो है इनको फारिग करके मुझे वापस लाया जाए। अगर ये और जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इस चीज़ पर बड़ा फोकस करती है कि फौज के बारे में हमेशा एक अच्छी पब्लिक परसेप्शन हो, और वो पब्लिक परसेप्शन जारी बात है इस सारे प्रोसेस में बड़ी कंप्रोमाइज हुई है। तो जारी बात है कि फौज की जो एक ओवरऑल अर्निंग होती है वो जब जारी बात है पाक फौज के जवान जो है वो जाने देते हैं, मुल्क की प्रोटेक्शन करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उन्होंने बड़ा कारनामे किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को महफूज रखा है, हजारों पाकिस्तानी अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस रेंजर लोग शहीद हुए हैं, इसी तरह आम पब्लिक भी बहुत सारी जो है वो शहीद हुई है दहशतगर्दी की जंग में। तो वो जो एक रिप्यूट थी वो रिप्यूट बेसिकली चली गई है या किसी हद तक कंप्रोमाइज हुई है। तो अब वो सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो हमारे साथ ये कर दिया है तो अब हमें क्या करना है। सो मेरा ख्याल है कि अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए और इन चीजों को करने के लिए सुनने में आ रहा है कि जो जिस तरह एक फेवर उस वक्त निज़ाम चलाने के लिए इमरान खान को मिलती थी वो अपोजिशन इस वक्त हुकूमत को नहीं मिल रही, और शायद हुकूमत भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से ये कह रही है कि उनको कुछ जो है वो फेवर्स दी जाएं इन टर्म्स ऑफ के निज़ाम नहीं लपेटा जाएगा, चीज़ें ठीक चलेंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत बड़े प्रेशर में है। और इमरान खान साहब की खूबसूरती ये है कि वो सारा टाइम जो गंद उन्होंने इस मुल्क में किया, वो महंगाई हो, वो रुपए की कदर में कमी हो, इकोनॉमी का स्टॉप करना हो, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वो सारी की सारी पकड़ के उन्होंने नई ये जो हुकूमती ये नए कोलिशन पार्टनर आए हैं इनके जिम्मे डाल दिया है, और खुद वो सुरखरू होकर बैठ गए जी मैंने क्या किया, देखो ये जो है वो कर रहे हैं। और जो हुकूमत है उनके पास एक अच्छा नैरेटिव बनाने के लिए ना तो लोग हैं, दे आर टू ओल्ड। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन मौलाना फजलुर रहमान और बाकी लोग ये इतने ओल्ड पुराने हो चुके हैं, ये इतने इनको ना तो शायद बात करनी आ रही है, इनको ये नहीं पता कि आइंदा आने वाली जनरेशन से जो है वो डायलॉग किस तरह करना है। इमरान खान जो है उन्होंने यूथ के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है पिछले 12-15 साल कि वो यूथ उन्होंने अपने साथ लगा ली है, और बाकी सारी सियासी जमातें हैं वो जो अपने आप को वो अगर चाहें भी तो इमरान खान साहब का उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जो इलेक्शन है इमरान खान साहब उस तरह नहीं जीत सकेंगे, और भले
इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन जीतना शायद उनके लिए इतना ज्यादा आसान काम नहीं होगा। सो डॉलर जो है वो 200 पे पहुंच गया है। जुडिशरी पाकिस्तान में एक्टिव है, जुडिशियल एक्टिविज्म हमें नजर आता स्टार्ट होता नजर आता है, क्योंकि जुडिशरी का रोल जो है उसके ऊपर इमरान खान ने इतनी तनकीद की, उनके फॉलोअर्स ने इतनी तनकीद की कि जुडिशरी जो है वो सारा टाइम परेशान हो गई कि अगर इस तरह उनकी पब्लिक में इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतना शोर डाला, इतना जुडिशरी को सिर्फ इतना कहा कि आपने रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगाई, मेरे दिल में ये बात रहेगी। और यही वही हुआ कि वो बार बार कहने से, बार बार करने से जुडिशरी जो है वो जारी बात है किसी ना किसी हद तक उन्होंने शायद इमरान खान साहब को फेवर करने या बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए एक चीज जो है वो कर ली है। अब इसमें देखा जाए तो जारी बात है ये पाकिस्तान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो है मेन स्ट्रीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूटा फूटा है। आप किसी सड़क पे चले जाएं, आप किसी हाईवे पे चले जाएं, आपको पता नजर आएगा कि ये जो रोड है वो टूट रहे हैं। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और यहाँ से हमें जिस जो चार मेरे ख्याल है कि जो जो मेन रोड है जो इस्लामाबाद की जो जीटी रोड से कनेक्ट होती है, वो सारी की सारी रोड जो है वो टूटी हुई है और कंप्लीट टूटी हुई रोड है वो। और उसको जहां पे वो बनाना चाह रहे थे चीज रोड, इमरान खान साहब की पार्टी नई रोड्स बनाना चाह रही थी, वो 4 साल से वहां पे मटेरियल पड़ा है लेकिन वो कुछ वो कर नहीं सके आज तक। सो देखिए ये क्या खूबसूरती है कि किया भी कुछ नहीं, मुल्क को बनाया भी नहीं, और इस वक्त जो हुकूमत है वो कंप्रोमाइज हो गई है और वो समझ रही है जैसे चोर हम है और इमरान खान साफ है। और इमरान खान अवाम जो है वो क्योंकि अवाम पसंद करती है नफरत अंगेज बयानियां, जिस तरह की इमरान खान साहब एक बदतमीज किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, भले वो किसी के बारे में भी हो, वो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, मौलाना फजलुर रहमान को, उस तरह की गंदी गालियां देते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। वो जो अल्फाज हैं, अगर वो उनको कहते हैं चूहे हो तुम, तो लोग उसको पसंद करते हैं। कल एक तकरीर में कह रहे थे कि जनाब जो मरियम नवाज हैं वो एक किसी मुल्क की सफीर उनके घर आई, तो उनका दिल था कि मरियम नवाज का दिल था कि ये जो सफीर साहबा हैं इनके जूते जो है वो मैं पकड़ लूं और इनकी जमीन पे पाँव ना लगे और इनके जूतों के ऊपर मिट्टी ना लगे। इस तरह की जब वो बातें करते हैं तो वहां इसको एंजॉय करते हैं और हंसते खेलते हैं। तो मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान में जो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट पर्सनैलिटी है, पर्सन है, वो बजाय इसके कि दुनिया को या पाकिस्तान को बताए या आवाम को पोलिटिकली अवेयर करे, उन्होंने सोचा कि बदतमीजी, बद तहजीबी और एक अजीब किस्म का पॉलिटिकल कल्चर अगर हम रखेंगे तो शायद इससे पाकिस्तान के अंदर उनको वो फायदा होगा। और फायदा ये है क्योंकि तालीम ना होने की वजह से अवाम मासूम है, अवाम वाकई कोई लीडर भी चाहते हैं, अवाम को पिछले 75 साल में मजहबी करने में भी अवाम हुकूमत का बड़ा किरदार है। मजहबी मंजन बेचा गया लोगों को, लोगों जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती थी तो इस्लाम का नाम लिया गया, जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती थी तो भारत का नाम लिया गया, जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती थी तो अमेरिका का नाम लिया गया, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट जो है उसका ध्यान दिया गया, पाकिस्तान में मजहब के नाम के ऊपर चीजें जो हैं वो की गई। सो बड़ा अजीब किस्म की सिचुएशन रही अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब उस सारे प्रोसेस को कैश कर रहे हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान में जहालत को भी कैश कर रहे हैं, अवाम की मासूमियत को भी कैश कर रहे हैं, अवाम की हुब्बुल वतनी को भी कैश कर रहे हैं, अदारों को उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है अपने शोर डाल डाल के। और भले जुडिशरी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, सारे परेशान है कि उनका जो बयानियां है वो उनके जो इमरान खान बात कर रहे हैं उसमें वो अदारे और वो जो लोग हैं उनकी वो इज्जत शायद कम आ रही है। तो अगर हमने इमरान खान को दोबारा अकोमोडेट ना किया तो शायद हमारे लिए भी एक रेपुटेशन हमारी जो है वो एट स्टेक है। सो अगर अब अदारे मजबूत हों, अदारों ने अच्छा काम किया हो, अदारे ट्रांसपेरेंट हों, अदारों की रेपुटेशन माजी में अच्छी रही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सियासी जमात उठ के 20 दिन के अंदर उनके खिलाफ एक महाज खोल सकती है। जाहिर बात है हमारे अदारे भी कंप्रोमाइज्ड हैं, हम लोग भी कंप्रोमाइज्ड हैं। इस मुल्क ने किस तरह चलना है कि जिसमें डॉलर 200 का है, इम्पोर्ट बंद है, नॉन असेंशियल आइटम्स पाकिस्तान ने बंद कर दिए, गो के टोटल ये लग्जरी आइटम सुनने में आया कि ज्यादा तो नहीं, कुछ 6 अरब डॉलर पाकिस्तान में सालाना इसकी हम इम्पोर्ट करते हैं। और बहुत सारे हलके ये कह रहे हैं कि ये इम्पोर्ट भी नहीं करना चाहिए, ये इम्पोर्ट बंद नहीं करना चाहिए। सो ये देख लेंगे किस तरह की चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में।
एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन है, एंड आई एम श्योर कि शायद इस मुल्क में जो वाइजर सेंस है वो प्रिवेल करेगी और इमरान खान साहब या उनकी जो बाकी सियासी जमातें हैं वो कम अज कम इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर जरूर कटे हों, बाकी सियासत जरूर करें लेकिन अगर मुल्क की इकोनॉमी तबाह होगी तो ये दोबारा उस ट्रैक पर नहीं आएगी। बट आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड इन कमिंग डेज एंड टाइम। थैंक यू वेरी मच।